मारुति सुजुकी की उपस्थिति के 40 वर्ष पूरा होने के अवसर पर गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बड़ा बदलाव लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन साइलेंट क्रांति कर रहा है। खासियत ये होती है वो साइलेंट होते हैं, दो पहिया हो या चार पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता पर जोर देते हुए वर्ष 2030 तक स्थापित इलेक्ट्रिक क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फोसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमें बायोगैस, फ्लैट फ्यूल जैसे विकल्पों की और भी बढ़ना होगा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के हसलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी निर्माण संयंत्र और हरियाणा के खरखौदा में वाहन निर्माण संयंत्र की वर्चुअली रूप से आधारशिला रखी।